गणेश वंदना प्रस्तुत करने वाले अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब, मैं दोनों की प्रशंसा करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा पूरा सभागार उनका अभिनंदन करे। मैं हवा हूं कहां वतन में आया तेरे दर पर दीवाना। सर, पेप टॉक विद राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्यूजिक से कैसे शुरुआत हुई, कितने साल हो गए म्यूजिक में आपको, और अब आप जहाँ पे हो तो सब जानते ही हैं। देखिए साहब, एक तो हमारा ताल्लुक जयपुर घराने से है, दूसरा हमने मौसीकी की तालीम, जिसको अपन म्यूजिक की ट्रेनिंग कहेंगे, वो हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अब्दुल सलीम खान साहब से हासिल की। हमारा पुश्तैना मकान मथुरा वालों की हवेली घाटगेट जयपुर, जहाँ हमारा जन्म हुआ, हमारा क्या बल्कि हमारे दादा परदादा का भी। लेकिन हमारे वालिद साहब ने अपने पुश्तैनी मकान में हमें बहुत कम रखा अपने साथ, मतलब खुद भी नहीं रहे और हमें भी कम रखा। तो मथुरा वालों की हवेली में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने टाइम टू टाइम हमें रेंट पे मकान लेकर अपने तरीके से पढ़ाई लिखाई, लोगों से मिलवाना, प्रोग्राम उसके मुताबिक हमें उसमें डाला। दूसरा देखिए साहब कि जब हमारी शिक्षा चल रही थी संगीत की, तो साथ में एजुकेशन भी थी, तो उसी मुताबिक उन्होंने दोनों बातें हमारे साथ बरकरार रखी। संगीत के हिसाब से तो वो सुबह का टाइम हुआ करता था, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 8 तक सभी लोग रियाज करते थे। उसके बाद जाहिर है कि सब अपने जाएंगे अपना मॉर्निंग शेड्यूल करके, फिर हम लोग स्कूल भी जाते थे। हमें सिखाते सिखाते अपने आप उन्होंने ये कहा कि आपको क्लासिकल मौसीकी सीखने के साथ साथ इन फ्यूचर लाइट म्यूजिक गाना है, और उसमें भी खास तौर से गज़ल, तो तुम दोनों भाई मिलके जब लाइट म्यूजिक और विशेषकर गज़ल गाओगे तो तुम्हारी अपनी पहचान बनेगी, तुम्हें एक मकाम मिलेगा। वैसा ही हुआ। कौन सी उम्र की बात है सर? हमारी जो संगीत की यात्रा है, जो म्यूजिकल जर्नी है, वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 1959, और वो भी ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से शुरू हुई थी। उसके बाद एक ज़माने में फिर युवावाणी प्रोग्राम आया, जिसमें युवा को बुलाते थे और उनकी रिकॉर्डिंग्स करते थे और उनको प्रमोट करते थे। सर, इस पे आने से पहले जी मैं ये जानना चाहता हूँ, या दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने जब पहली बार परफॉर्म किया जी, वो उम्र मेरे ख्याल से 7-8 साल रही होगी। 5 और 7 साल। 5 और 7 तो साल। कौन सा गाना था, अगर आपको याद हो या अगर दर्शक? हाँ, और 5-5 रुपए आकाशवाणी से कैश मिला करते, काफी बड़े। हाँ, सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए, दो गाने हैं, दोनों गानों की झलक अलग है। जहाँ से हमने शुरू किया, तो एक तो बहुत अच्छा गाना है जिसको माँ से इम्प्रेस होके लिखवाया भी गया और कंपोज भी की गई है, और जो ऑल इंडिया रेडियो में कंपोजर थे उन्हीं का कंपोज है। नोच रहे हैं कूद कूद कर चूहे भीतर खाल, नोच रहे हैं कूद कूद कर चूहे भीतर खाल, प्यारी अम्मा हमें खिलाओ मीठे मीठे माल, ओ मेरी प्यारी अम्मा, ओ मेरी अच्छी अम्मा, ओ मेरी भोली अम्मा, ओ मेरी प्यारी अम्मा। अभी देखिए, 59 से और आज सोच लीजिए कितना अरसा हो गया। और एक और सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि आप इसके बोल ले लीजिए, कंपोजिशन ले लीजिए, और इनमें जो मोहब्बत, जो आर्ट, जो अपनापन, उन लोगों का जो गुणी लोग थे पहले के, भरा हुआ है। उसकी मिसाल ये है कि आज भी हमें याद है। बहुत बड़ी बात है कि अगर 60 साल पहले आपने जो गाया और आज भी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है जिसकी बर्दादारी है। लेकिन उसी दौर मैं बता रहा हूँ, उसी दौर के साथ साथ दूसरा गीत, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आते थे, देशभक्ति ये जागती थी कि उन लोगों ने देखिए कैसा कंपोज किया है। तिरंगा अंबर में लहराए, तिरंगा अंबर में लहराए,
यही देश का स्वाभिमान है, यही राष्ट्र की आन बान है, इसकी शुभ छाया में भारत आगे बढ़ता जाए, अंबर में लहराए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब हम वहां से जुड़े तो उसके बाद जो आपने कहा था कि पहले वो जानना चाहते हैं, तो फिर हमने जनरल कैटेगरी में बी ग्रेड क्लियर की, उसके बाद हमने फिर ऑडिशन दिया और फिर हम उसकी मेहरबानी से और हमारे माँ बाप गुरु की कृपा से हमें डायरेक्ट ए ग्रेड मिला। और 1990 में हमें ये सम्मान मिला रेडियो की तरफ से, जो राजस्थान में एक पहला काम था कि हम लोग टॉप ग्रेड हुए। हमसे बड़े बड़े फनकार, इवन बड़े फनकारों को छोड़िए, हमारे वालिद साहब हमारे उस्ताद भी थे और हमारे फादर भी थे। तो ये सम्मान जब हमारे पिताजी को पता लगा और वो मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। अच्छा ये देखिए, जब उनसे एक सवाल हमने किया कि एक संपूर्ण कलाकार होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है, तो पिताश्री ने कहा संपूर्ण तो सिर्फ वो है, ये कहिए एक बेहतर कलाकार होने के लिए शास्त्रीय संगीत की माकूल तालीम, सख्त रियाजत यानी खुद का कठोर अभ्यास, कठिन अभ्यास, और उसके अलावा आपका व्यवहार, वक्त का पाबंद होना, ये तमाम बातें अगर यकजा हो जाएं तो एक बेहतर कलाकार हो सकता। और अगर आपको कामयाबी मिली है तो ये उसकी देन है, जो कुछ कमज़ोरी है वो आपकी खुद की है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने 7 साल की उम्र से गाना शुरू किया और जब तक आपको ए ग्रेड में आए, उसका स्ट्रगल कैसा था? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया। देखिए हमारे वालिद साहब जो थे ऑल इंडिया रेडियो में ऐसे स्टाफ आर्टिस्ट थे। अच्छा उस जमाने में ना पेंशन होती थी ना कुछ होता था, लेकिन हर फनकार जीता था। आजकल तो ज़बरदस्ती जीता नहीं है, उसकी लकीरें पीटता है। तो कुछ इत्तेफाक ये हुआ कि 69 में हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे 9th क्लास का, तो कोई इत्तेफाक 3-4 दिन पहले से हम ये जज कर रहे थे कि वालिद साहब जाते नहीं है, ऐसा क्यों? तो हमने मालूम किया, पापा से हम डरते थे, मम्मी से तो पता लगाया कि साहब रिटायर हो गए, फिर ये पता लगा रिटायरमेंट क्या चीज़ है। तो हमारा दिमाग सिर्फ इसमें चला गया कि वालिद साहब रिटायर हो गए तो अभी तो हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो हमें कुछ करना है। ये चीज़ हमारे जहन में साहब फिट हो गई, और वो फिट ऐसी हुई कि हम एग्ज़ाम में भी फेल हो गए, क्योंकि मैथ्स में भी हम डरते भी थे, कमज़ोर भी थे, फेल हो गए। तो फिर हमने पापा से बड़ा गुजारिश की, विनती की, रिक्वेस्ट की कि साहब हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है और आगे जाके तुमको इसके एडवांटेज मिलेंगे। लेकिन हमने साहब उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब आपका पैसा हमारा वक्त दोनों बेकार जाएंगे, तुम्हारी मर्जी। उस इन बिटवीन वालिद साहब को पहले से अटैक हो गया और बड़े परेशान हो गए हम लोग, और इतनी मुश्किल में आ गए कि साहब खाने की भी मुश्किल हो गई। तो उस दौरान हमने स्ट्रगल ये किया था कि ये भाई साहब को तो शौक़ था पेंटिंग का, लेकिन इन्होंने वही जारी रखा। मैंने कई कई काम बीच में बदले, सिर्फ घर की वजह से हम लोगों ने, कि मैं सबसे पहले वकील साहब के साथ मुंशीगिरी पे गया, उसके बाद भी कोई बात बनी नहीं क्योंकि मुंशीगिरी पूरी तरह आती नहीं थी, साइकिल का काम किया, उसमें बहुत ज़्यादा महारत थी नहीं, धीरे धीरे सीख रहे थे। फिर एक ज़माने में चलन होता था, आज भी है, कि जब बैंड जाता है तो उसके पीछे या उसके ऊपर खड़े होके और गाते हैं फिल्मी गाने, तो हम उस वक्त फिल्मी गाने गाते थे, वो भी किया।
उसके साथ साथ भी नगीने का काम किया, कहीं कोई बात बनी ही नहीं। तो फिर कुदरती ये हुआ कि यहाँ 1975 में बढ़ते कदम के नाम से एक प्रोग्राम आया था लाइट एंड साउंड का। तो मतलब वो करीब करीब 10 साल आराम से, 10 साल आराम से करो। हम बता रहे ना आपको ये बात हमारी जो मैंने बताया था 69 में ना, फिर तकरीबन 10 साल के करीब 78-79 तक हमारा स्ट्रगल जारी रहा। वो यहाँ से जो पैसा हम यहाँ ले जाते थे जयपुर से, फिर बीच में बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद में कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वो सारे पैसा इकट्ठा करके हम बॉम्बे जाते थे और कुछ नहीं होता था, सारा खर्च करके आ जाते थे। तो हमें एक ज़माने में बॉम्बे के नाम से फिर ये हो गया कि भाई बॉम्बे को छोड़ो, कुछ नहीं होता, जाना नहीं है। लेकिन 1978 में अगर आपको याद हो तो मैजी हसन साहब तशरीफ लाए थे और खासा कोटी में रुके थे। इन द मीन टाइम सितारा देवी जी भी आ गई, और सितारा जी की बड़ी बहन तारा जी वो भी साथ में थी। तो उनके हमारे सितारा जी के परिवार के और हमारे पहले से ट्रम्प थे। तो सितारा देवी जी, सितारा देवी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कथक बहुत बड़ी जिनका मतलब कथक नृत्य और वो एक दूसरे के पर्याय है। अर्शद के आसिफ, के आसिफ साहब से उनकी शादी हुई थी, ये तो हमें इल्म नहीं है लेकिन सुना हमने भी था। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई तुम बॉम्बे आओ, तो हम तो बॉम्बे के नाम से चिड़े बैठे थे। हमने कहा नहीं साहब, बॉम्बे से हम बहुत परेशान हुए और हम नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ कुछ होता नहीं है हमारा। अरे भाई इतनी बार आए हो, एक बार हमारे कहने से आओ। तो उन्होंने हमें 1978 में एक प्रोग्राम होता था बहुत बड़ा कल के कलाकार, वो क्लासिकल में भी होता था, सेमी क्लासिकल भी, लाइट भी, सब होते थे, डांस भी, ये भी, तंत्रवाद भी, उसमें उन्होंने बुलाया साहब। और वाकई बुला के उस प्लेटफॉर्म पे जब से हमें गवाया, उसके बाद से फिर हमारी मंजिल धीरे धीरे बढ़ती रही। यानी कि उन्होंने फिर कमल बारोट जी से मुलाकात कराई हमारी, वो हमारी शिष्या बनी। कमल बारोट जी ने हमारी मुलाकात कराई कल्याणी आनंद जी भाई सर, हमें तो सितारा जी पहले ही ले गई थी, पहले HMV ले गई। HMV ने कहा हम आपका कर लेंगे। वो इतनी हमारी माता समान थी और हमारी बहुत बड़ी मतलब एक तरह से बॉम्बे में पूरा सपोर्ट सिस्टम, गाइड बहुत बड़ी। 12 साल रखा आपने घर, तो आप उन्होंने अपने घर पर, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे बच्चों की रिकॉर्डिंग करते हो तो बात करो, नहीं तो हम चल दिए। तो उन्होंने कहा साहब जरूर करेंगे, नहीं करे हमसे बोले चलो। फिर वो एक ज़माने में ये जो यूनिवर्सल है वो कॉरिडोर होता था, वहाँ ले गई, बाकायदा लूथरा साहब से हमारी मुलाकात कराई। पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिस पे उनके ही गवाही के साइन है हमारे। उसके बाद तो कल्याण जी आनंद जी से टाइम टू टाइम बात हुई, तो पहला एल्बम हमारा 1979 में रिकॉर्ड हुआ और 80 में रिलीज हुआ। अच्छा, जिस वक्त 78 में सितारा जी के हम गए तो हमें पता हुआ कि हमारी दो तमन्नाएँ थी कि लता दीदी को देखें और दिलीप साहब को देखें। तो हमें पता हुआ कि बुआ जी का आज कार्यक्रम कथक का है, उनकी पिता की पुण्यतिथि पर, दीनानाथ जी की, दीनानाथ मंगेशकर जी की। हमने कहा बुआ जी हम ये चाहते हैं कि आज आपका कार्यक्रम है तो ज़रा हमें आप ले चलेंगे लता दीदी को? हाँ चलो हमारे साथ करो। तो हमने कहा एक तस्वीर, बहुत डांट दिया हमें, खबरदार हमसे ऐसी बात। हमने कहा ये ऐसी क्या बात, ऐसी तस्वीरों के मज़े नहीं होते हैं, तुम ये काम करो गणेश वंदना गाओ, हम उस पर भाव दिखाएंगे, कलाकार बन के जाओ तो लता खुद तुम्हारे साथ तस्वीर उतरवाएंगी। तो ये गणेश वंदना से सर मुझे कि मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि अहमद हुसैन साहब, उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब ये गणेश वंदना के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई गणेश वंदना गाता है। और साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये भी एक कौमी एकता की मिसाल है। लेकिन राहुल जी ऐसा है कि हमने शुरू से जहाँ जहाँ जिन स्कूल में, हम सबसे पहले रामगंज मिडिल स्कूल में थे, वहाँ भी प्रार्थना हम बुलाते थे सरस्वती वंदना, और उसके बाद घाटगेट मिडिल स्कूल में आए, वहाँ भी हमने ये प्रार्थना का वो रखा सिलसिला। और जब मुस्लिम स्कूल में आए तो वहाँ दुआ होती थी वो भी।
तो हम शुरू से गा रहे थे, लेकिन इत्तेफाक है कि जब हमारी मुलाकात गुलशन कुमार साहब से हुई तो उन्होंने ही हमें ये ऑफर दिया कि उस्ताद कुछ भजन गा दीजिए। तो हमने उनसे कहा था, देखिए हम वो भजन तो गाते नहीं हैं कि साहब तू भगवान ऐसा कर दे तो ये मानेंगे नहीं, तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, हम गाएंगे तो ट्रेडिशनल भजन गाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जो आपकी इच्छा। तुलसी जी, मीरा जी, तो साहब हमने तीन चार चीज़ें तो ऊपर वाले ने हमसे मतलब ये करवा दी, हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है, हमारी ताकत भी नहीं है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। और हमारा मानना है, देखिए डिवोशन को डिवाइड ना किया जाए, हर की सूरत में हर नुमाया है। सर आज के टाइम में आप मेरे ख्याल से एक ऐसी मिसाल हैं जो एक जीता जागता मतलब पब्लिक देख सकती हैं कि आपसे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई गाता है। ये उसका कर्म है, देखिए साहब हम नहीं गाते, वो कुदरत गवाती है हमसे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हम आज ये काम नहीं कर रहे हैं, और हमारी सबसे ये इल्तिजाई है कि वो रब्बुल आलमीन है जिसको हम आपन अल्लाह खुदा गॉड भगवान जो भी रूप में जिससे मानते हैं हम, वो सारे मज़हब पाकिदा हैं, तो हम उस चीज़ को ये सोच के क्यों गाएं कि ये तो हम भजन गा रहे हैं और ये नाद गा रहे हैं, ये मन के बद गा रहे हैं, ये सलाम गा रहे हैं। नहीं, जो कुछ गाएं दिल से गाएं। देखिए तो आपकी बात असर रखेगी, लेकिन अगर आप नाटक करके गाएंगे कोई चीज़ तो आपकी बात असर कभी नहीं करेगी। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता मैं कौन हूँ, ये उसे हम पहचान देते हैं कि तू कौन है। तो लिहाजा इंसान पैदा होता है तो इंसानियत बरकरार होनी चाहिए। बहुत सही बात है। और उनका जो फ़र्ज़ है, बस वो वाली बात है कि आप कलाकारों का काम है मोहब्बत बांटना। बहुत सही बात है जी। अब सर मैं जानना चाहता हूँ पहला जो रिकॉर्ड हुआ जैसे आप बता रहे थे, तो वो कौन सा आपकी गजल थी? हाँ, हमारे राहुल जी को ये दाद देनी पड़ेगी कि ये पहले होमवर्क करके आए, इन्हें मालूम है मुझे क्या क्या करना। देखिए वो मैंने बताया 79 में रिकॉर्ड हुई, लेकिन जिससे हमारी पहचान बनी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया उस गजल में, फिल्मी गानों में तो हुआ था लेकिन गजल में पहली बार हुआ था हार्मोनाइजेशन। एक आदमी सुर पे है, एक मध्यम पे है, तो ये शुरुआत हमने कुदरत ने करा दी हमसे, तो हमने किए। लोग ज़्यादातर जानते हैं कि मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। और आप ही देखिए इस कंपोजिशन में अगर आप देखें सास है, षड्ज है, ये मध्यम भैरवी है राग, लेकिन मध्यम को षड्ज मान लें तो ये दरबारी बन जाता है, इसे मूर्छना पद्धति संगीत में कहते हैं। लेकिन देखिए 1978 में बेसिकली ये कंपोज हुई है, जब ये छत्तीसगढ़ नहीं बना था, पूरा एमपी था, और उसमें एक जगह है सरगुजा में अंबिकापुर, वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मरहूम आमिर हनफी साहब संगीत शायरी के बेहद पारखी थे, तो उनकी लिखी हुई गज़ल ये मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, ये शायद 78 से अब तक अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, उस्तादों की दुआएं और हमारे श्रोताओं का प्यार है, जो एक पहचान बनी, और इसके बगैर शायद ही ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो खत्म हो गया हो। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा।
मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। सब सबसे बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इस गज़ल को दिलीप कुमार साहब, लता दीदी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत भाई, जितने भी हमारे फनकार भाई हैं गज़ल गायक, वो सब इतना पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। कि पता लगा उससे पहले कहे थे कि वो हवा वाले आ गए, इससे बड़ी दाद और क्या चाहिए। तो हम बड़ा फख्र अपने आप को महसूस करते हैं उनकी दुआओं के तुफैल में। और देखिए, हम आज के नौजवान पीढ़ी को यही दरख्वास्त करना चाहेंगे, जो हमसे हमारे पिताजी ने कहा था, उन्हीं के नक्शे पर चूमे की मंजिल, इरादे जिनके मुस्तहकम मिलेंगे। अगर आपका लक्ष्य आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ बनना, जैसे एक बच्चा अगर जिद कर लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आप कहीं भी उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं कर सकते, वो आपसे बार बार ये। इसी तरह आपको ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, और वो बनने के लिए आप कोशिश करें, बाकी उसके हाथ है। क्योंकि देखिए साहब, जैसा आपने कहा था, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, इस शेर में हमारा जवाब मिल जाएगा, लेकिन आगे बताएंगे आपको। तो साहिल लुधियानवी साहब कहते हैं, दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है, जो कुछ हमें दिया है, वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे, जितनी भी हमें हमारी न्यू जनरेशन है, कि आप जिनको अपने दिल से अपना गुरु मानते हैं, उनसे विधिवत शिक्षा प्राप्त करें और जल्दबाजी ना करें। क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी पूछ बैठेंगे कब आएगा। ये तो आपकी लगन, मेहनत और साथ में आपका जुनून। आपका जुनून कैसा है, आपका लक्ष्य पहुंचने के लिए अगर आपका जुनून है तो आप पहुंच सकते हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो वो आपको स्ट्रगल को करना ज़रूरी है, और एक स्टेज ऐसी आती है, स्टेज पे जल्दी जाने की ज़रूरत मत करिए। दूसरा, जो आजकल ये सब चमाचम चल रहा है, उसमें मत जाइए। आपको अगर बरकरार रहना है, और एक ऐसे समय तक कि आपको लोग याद रखें, तो आप अपना काम अपने तरीके से करिए। जो अपनी फिक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको खुला आसमान देता है। तो आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, उसके लिए याद रखें। बहुत सही बात कही है उस्ताद लोगों ने, और मैं ये चीज स्पेशली अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो शॉर्टकट ना ढूंढे। आपको जो उस्ताद लोगों ने बात बताई है, उस पर अमल करें, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ेगी अगर मंजिल को आपको हासिल करना है, तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर हम अपने यंगस्टर को ये भी बताना चाहते हैं कि हम पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट हैं, कल भी रहेंगे। तो हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम संपूर्ण हो गए। आप हमारे लिए भी दुआ करें कि इसी तरह ऊपर वाला हम पर मेहरबान रहे, हम गाते रहें और आप सुनते रहें। यही अल्लाह से हमारी ख्वाहिश है, तमन्ना है। और अब चलते चलते सर, मेरी दो फरमाइशें हैं। जी, एक तो मैंने मेरी जिंदगी में जो आपकी पहली गजल सुनी थी, जी, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। बताइए ए सनम, क्या बात है। और एक लास्ट में मैं जो फिल्म की अपनी जो है, आया तेरे दर पे, आया तेरे, क्या बात, राहुल जी सजा के लाए सब। ए सनम, तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ए सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना के तुझे याद बहुत आऊंगा, ऐसा नम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। और आखिर में
वीर दारा का ये नगमा जो हमारे राहुल साहब फरमा रहे थे, आया तेरे दर पर दीवाना। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हुआ आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना।